जिले में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने अपनी निश्चितकालीन हड़ताल के अंतिम दिन महारैली निकालकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल के अंतिम दिन महासमुंद जिले के 5 ब्लॉक से सभी कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। धरना स्थल लोहिया चौक से हजारों की संख्या में रैली निकालकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 10 लोगों की समिति ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 2 सूत्री मांग, 34% महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के 7वां वेतन आयोग के अनुरूप गृह भाड़ा देने की मांग की है। 25 जुलाई से आज 29 जुलाई तक 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी अधिकारी थे। 5 दिनों में सरकार और अधिकारी कर्मचारी की कोई बात नहीं हुई। संघ आगे रणनीति तय कर आनंद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। संवाददाता गौरव चंद्राकर, महासमुंद, जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। निश्चितकालीन आंदोलन में हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, एक केंद्र के समान महंगाई भत्ता और दूसरी मांग हमारी है 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता। हमने 5 दिनों तक के लगातार 48 संगठन एक साथ मिलकर के 5 ब्लॉक में आंदोलन किए। शासन को हम बताने के शालीनता पूर्वक निष्ठापूर्वक हमने आंदोलन किया और बताने की कोशिश किए कि ये अधिकार है हमारा, इनको दे दीजिए, मांग ना बनाए, इनके लिए हमें हड़ताल करना ना पड़े, हमने रिक्वेस्ट किया। और आज अंतिम दिवस है, 5,000 लोगों के साथ रैली निकाल करके हमने जिलाधीश महोदय के कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं। इसमें हमारी यही 2 प्रमुख मांगे हैं, महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता। क्या लगता है सरकार ने आप लोगों की मांगे 5 दिन की मांगे अनसुनी कर दी, अब क्या आगे रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमें तो आशा उम्मीद बनी हुई है, हमें लगता है एकदम जोरदार धमाका करने वाली है हमारी सरकार और देर सवेर हमें देंगे। आप फेडरेशन के कुछ लोगों जो जुड़े हुए संगठन से, उसमें शिक्षक जो संघ है रायपुर में, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, क्या पूरे कर्मचारी इसकी जानकारी हमें नहीं करेंगे? इसकी जानकारी हमें नहीं है। जो सभी शिक्षक संघ तो हमारे साथ है, आपके सामने यहाँ टेघराम सेन जी खड़े हैं, यहाँ पर ईश्वर चंद्राकर जी खड़े हैं, यहाँ गोस्वामी जी खड़े हैं, सभी शिक्षक संघ के हैं, तो सारा शिक्षक संघ तो हमारे साथ है। फेडरेशन से पृथक है, छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन से अलग है, अर्थात कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, नहीं है, लेकिन सारे शिक्षक हमारे साथ क्यों कहें दूसरे के लिए? आप स्वयं देखते हैं, आप हमारे पंडाल में जाते होंगे, देखते होंगे डेली 800 से 1,000 लोग, हमने 800 चेयर लगाया था, कम से कम 200 लोग खड़े होते थे, एक भी चेयर खाली नहीं मिलती थी। ऐसे ही हमारे ब्लॉक में जिला के एक एक दल जा करके सभी ब्लॉक में अपनी बात रखे हैं, वहाँ अवलोकन किए हैं, देखे हैं, वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। कलेक्टर साहब से मुलाकात होगा, प्रांतीय बैठक होगी, समीक्षा होगी, उसके बाद में फिर हमारे प्रांतीय संयोजक जो हैं माननीय श्री कमलवती, वो तय करेंगे कि हम कब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को अवश्य सुनेंगे।